शास्त्रो धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम प्रेमी राकेश जी इंसा एमएसजी कॉम्प्लेक्स से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई, नाम से होगा बेड़ा पार नाम दयाले भाई, नाम से होगा बेड़ा पार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई। मानस जन्म प्रभु मिलने की बारी, काम खाने सोने में जाता गुजारी, आया जिस काम ले विचार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई। लाख चौरासी में चक्कर लगाया, मानस जन्म फिर हाथ है आया, मिलता ना बारंबार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई। चोर तेरे पीछे लगे हैं, कीमती पूंजी तेरी ठगे हैं, हो जा चोरों से होशियार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई। करम धर्म चाहे कितने कमाए, नाम जपे बिन मुक्त ना पाए, कैसा सतनाम जी बारंबार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई, नाम से होगा बेड़ा पार नाम दयाले भाई, नाम से होगा उधार नाम दयाले भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम बंदिया तू जपना जरूर सी,
राम नाम बंदे आ तू जपना जरूर सी, नरक चौरासी गया तेरा ही कसूर सी, तेरा ही कसूर सी। मानस जन्म तैनू मिलिया दुर्लभ सी, लोच रहे जीनू देवी देव तेन सब जी, लोच रहे जीनू देवी देव तेन सब जी। लाभ ना उठाया कुछ तैनू नाशहूर सी, तैनू नाशहूर सी। बचपन सारा विच खेलने गवाया सी, हो गया जवान मन विषयां चलाया सी, हो गया जवान मन विषयां चलाया सी। आवे ना नजरे कुछ होया मगरूर सी तू, होया मगरूर सी। भोग के चौरासी हुण बंदा बन आया जी, सब अधिकार सरदार बनाया जी, सब अधिकार सरदार बनाया जी। रब ने बनाया तैनू अपना ही नूर जी, अपना ही नूर जी। मिलिया वक्त हुणे नाम त्या लै जी, जन्म मरन दा चक्कर मुका लै जी, जन्म मरन दा चक्कर मुका लै जी। कहीं शास्त नाम जी कहना मन लै जरूर जी, अगे ले ऐसा ना कोई करना कसूर जी, कोई करना ना कसूर जी। राम नाम बंदे आ तू
जपना जरूर सी नरक चौरासी गया तेरा ही कसूर सी तेरा ही कसूर सी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी सत्संग जीओ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम कुलों का उद्धार करने वाला है। दुनिया में जितनी मर्जी कमाई आप करते रहो जितनी मर्जी मेहनत करते रहो उस मेहनत से उस कमाई से आप अपने बच्चों का अपना खुद का कर्तव्य निर्वाह बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है जो अपने आप में नायाब है और वो तरीका है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना। इंसान अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे तो खुद का नहीं परिवार का नहीं जो आने वाली कुलें उनका भी और जो गुजर गई कुलें उनका भी बहुत बहुत फायदा कर सकता है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। जो आपके मां बाप दादा परदादा गुजर गए आप उन्हीं के वंशज हैं आप उनके लिए कुछ करना चाहें पता नहीं वो किस जोनी में अगर राम नाम नहीं लिया हम मालिक का नाम लिया हुआ है तो जरूर मालिक की गोद में अगर नहीं तो जो पीढ़ियां गुजर गई पता नहीं वो कहां भटक रही हैं पशु हैं पेड़ हैं गंदगी के कीड़े हैं पता नहीं क्या ये तो राम जाने कितनी वो कुरला रही होंगी कितनी वो तड़फ रही होंगी कितनी वो बेचैन है। हालांकि वो उस जिंदगी में मस्त हैं लेकिन आपकी निगाह से क्या वो मस्त हैं क्या वाकई उनकी जिंदगी काबिले तारीफ है। पता नहीं कितने जन्म उन आत्माओं को उन रूहों को तड़पना होगा तो उन रूहों का उद्धार करने के लिए अगर आपने नाम लिया है तो नाम का सुमरन करो। किया गया सुमरन उनका उद्धार करेगा। जब आप मालिक से ओर निभा के जाएंगे जैसे जैसे सुमरण करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कुलों का भी उद्धार होता जाएगा और जैसे ओर निभा के जाएंगे वो तमाम रूहें कहीं भी फंसी हों मालिक उनको आपके साथ निज धाम की तरफ भेज देता है। और आपका इस संसार में तो राम नाम से जय जयकार होगा लेकिन अगले रूहानी मंडलों पे देवी देवता सब खड़े होकर फूल बरसाते हैं जय जयकार करते हैं धन्य है ये रूह धन्य है ये आत्मा जो घोर कलयुग में रह के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके जा रही है और अपनी तमाम कुलों को जो गुजर चुके हैं उनका भी उद्धार करके जा रही है। सब जय जयकार करते हैं चाहे आप जय जयकार के भूखे नहीं हैं पर आपका ऋण है मां बाप का ऋण और इस तरह से अगर आप सुमण करके उतारते हो तो जीते जी भी आपको खुशियां मिलेंगी आने वाली पीढ़ियां बिगड़ेंगी नहीं वो मालिक से जुड़ेंगी। तो इसलिए सुमरन के पक्के जरूर बनो जब भी आपको समय मिलता है वैसे तो समय होता ही है पर चलो अगर आप ज्यादा ही बिजी हैं चलते काम धंधा करते लेट के बैठ के सुमरन करो। आप लेटे हुए हो क्यों नहीं करते सुमरन कि बिल्कुल खाली होते हैं तो भी सुमरन नहीं करते। हम देखा करते बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी हम आपको अपनी थोड़ी सी बात सुनाते हैं कि कैसी उनका रहमो करम। कई बार होता स्कूल से आते और ये होता कि खेत में बुआई करनी है तो ट्रैक्टर चलाते शाम के 4-5 बजे जाके ट्रैक्टर शुरू कर लेते और सुबह 4 बजे तक 12-14 घंटे लगातार कई बार 6 बजे तक कई बार 7 बजे तक ऐसा भी होता 15-15 घंटे लगातार ट्रैक्टर चलता रहता वहीं ड्रम होता डीजल का और वो डाल लेते फिर चला लेते तो पता ही नहीं चलता था रात कैसी गुजर गई और बुआई कैसे हो गई क्योंकि सारा टाइम सुमरण सतगुरु के चरणों में लगे रहते एक बात चलती रहती दर्श दीदार होते रहते कैसे ट्रैक्टर चल रहा है कौन ट्रैक्टर चला रहा है पता ही नहीं चलता था। तो ऐसा नजारा आप ले सकते हैं क्यों पंजाबी कहा करते हैं जुल्लड़ बने हुए हो सारा टाइम खा लिया पी लिया जाया खा लिया पी लिया जाया पशुओं वाले काम बस पशु चलते फिरते कहीं भी कर देते हैं और आपके लिए एक निश्चित जगह होती है वहीं जाना होता है तो क्यों क्यों इसी कामों में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो क्यों नहीं सुमरण करते क्यों नहीं भक्ति करते। करो भक्ति करो सुमरण यकीनन वो खुशियां भी आ जाएंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
सुमन करना नहीं, भक्ति करनी नहीं, और कोई तरीका नहीं उस साईं को, उस खसम को खुश करने का। कोई जोर लगा लो, पॉलिशिंग करते रहो चेहरे पे, तरह तरह के रंग रोगन लीपते पोतते रहो, कुछ नहीं बनता। सुमरन एकमात्र और सेवा दूसरा उपाय, दो ही तरीके हैं जिनसे वो खसम रीझता है, अल्लाह वाहिगुरु राम खुश होता है, और जब वो खुश हो जाता है आपकी कुलें खुश हो जाती हैं, आपने तो होना ही है। इसलिए सुमरन किया करो। पता नहीं कौन सा कर्म आद बोचे, ठीक है आप तंदुरुस्त हैं, मालिक की रहमत है, उसका शुक्राना करो। क्या कल आपको पता है आप तंदुरुस्त होंगे, क्या परसों पता, मतलब आने वाला टाइम, पता नहीं कौन सी बीमारी कौन सी चीज आपको घेर ले, तब सुमरन करोगे? जब वचन हो गए कि भाई सुमरन करो, लगातार दिन रात सुमरन किया करो, वो उससे अच्छा नहीं है कि आप घंटा सुबह शाम नियम बना लो, वो करना ही ना पड़े। घंटा सुबह शाम सुमरन करने से पहाड़ से भयानक रोग कंकर में बदल जाया करते हैं। तो सुमरन करो, लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन में ही बरकते हैं, सुमरन ही खुशियां देने वाला है। इसलिए सुमरन से मुंह ना चुराओ, जो सुमरन से मुंह चुराया करते हैं, और इधर उधर ध्यान दे लिया, गप मार लिए, चुगली कर ली, निंदा कर ली, बुरी बातें कर ली, गलत है। जो मालिक से मालिक की औलाद को जोड़ा करते हैं वो मालिक की खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। जो बुराइयां करते हैं, नशे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनके नशे छुड़ाओ, उनकी बुराइयां छुड़ाओ, और अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ दो। पता नहीं कब से बिछड़ी मां का बच्चा मां को मिल जाए, कितनी आशीष, कितनी आशीर्वाद दुआएं निकलती हैं उसके हृदय से, उसके दिलो दिमाग से। इसी तरह जन्मों जन्मों से भटक रही जीवात्माओं को जब आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ देते हैं, नाम दिलवाते हैं, भक्ति से जोड़ देते हैं, यकीनन उससे करोड़ों गुना बढ़ के आपको फल मिलेगा, और उसकी खुशियां लाजमी आएंगी। वचनों पे पहरा दो, वचनों पे पक्के रहो। तो ये हमेशा याद रखो कि मैंने सुमरन करना है। राम नाम का जाप ही इंसान के तमाम बुराइयों को दूर कर सकता है, तमाम गंदी आदतों को छुड़वा सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई युक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल कर सकें, मन को काबू कर सकें। इसलिए सुमरन जरूर करो, भक्ति करो। कोई आपको ये कहे कि भाई ये तो लग गया सुमरन करने, ये तो बन गया भक्त, किसी की बातों की तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि किया गया सुमरन आपके बेहद फायदे की बात है, तो वो तो आपको रोकेंगे क्यों सुमरन करता है, क्यों भक्ति करता है, क्योंकि वो मन और मनमति लोग काल के एजेंट होते हैं, इनडायरेक्ट, वो नहीं चाहते कि कोई भक्ति करे। तो इसलिए किसी की तरफ ध्यान ना दो। कोई आपको कुछ भी टोंट कसता रहे, सुमरन के पक्के बन जाओ, यकीन मानो फिर वो भी खुशियां मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। हमारा फर्ज आपसे प्रार्थना करना, मानना ना मानना मर्जी आपकी। तो विदेशों से बात करने, आज भारत में बात करने वाले हैं जी, बोकारो झारखंड, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। जल्दी से और शॉर्ट में बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये की पिताजी, मेरा नाम अंजू कुमारी है, और मैं मतलब कि झारखंड बोकारो से बोल रही हूँ कि मेरी एक लड़की है पिताजी पर, मतलब बेटा नहीं है पिताजी, तुम्हें तो पिताजी के जो होने वाले कि वो मेरा बेटा हो, और मैं पिताजी किसी भी परीक्षा में मतलब एग्जाम देती हूँ पिताजी, तो मैं सफल हो जाती हूँ, और पिताजी चलते फिरते नाम का सिमरन भी करती हूँ पिताजी, और कभी कभी पिताजी सुबह शाम भी सिमरन करते हैं पिताजी, तो मैं चाहती हूँ पिताजी कि आपके मतलब कि साक्षात रूप में दर्शन हो पिताजी, इसके लिए मतलब कि मार्गदर्शन कीजिए पिताजी। बेटा दर्शन तो भगवान अल्लाह राम दाता देने वाले हैं, आप लगातार सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें, और वो जरूर करते हैं अगर वचनों पे अमल करोगे। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बेटा। जी बोलिए। पिताजी आने वाले अवतार बाद डेली सारी सुपाल। बेटा आवाज कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही, दोबारा से बोलिए।
जी आपको भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद बेटा। पिताजी 1 जनवरी को पापा को और 5 जनवरी को मेरा जन्मदिन है पिताजी, आप आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जी बेटा जन्मदिन मुबारक, अच्छे कर्म करना बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी, पिताजी आज दूसरी बार मेरी आपसे बात हो रही है पिताजी, मैं इतनी खुश हूँ पिताजी, लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती पिताजी, अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना पिताजी। जी बेटा सुमन कीजिए, बचनों पे अमल कमाए रखना, तो मालिक वैसी ही रहमत बरसाते रहते। जी बेटा आशीर्वाद, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद। जी पिताजी, पिताजी मैं बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ पिताजी, मैं एमबीए करना चाहती हूँ, तो पिताजी आशीर्वाद दीजिए कि अच्छी कॉलेज से मेरा एडमिशन हो जाए। हाँ सुमन करना बेटा, पैर भाई करो, मालिक रहमत करेंगे। बेटा सुमन करें, मालिक जरूर रहमत करते हैं और वो दर्शन देने वाले हैं, फिक्र ना करें बेटा, बचनों से तो आपका घर हमें नजर आ रहा है और आगे बाकी आप सुमन करना, मालिक रहमत करेंगे। जी नारा लगा दीजिए, बचनों में गलती ना किया करो बेटा, नारा लगाओ आइंदा से ख्याल रखो। थोड़े शब्दों में बेटा, क्योंकि टाइम साथ संगत के लिए और भी बहुत से कार्य हैं, आप जल्दी से बोल दीजिए बेटा शॉर्ट में। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। हाँ जी बोलिए। पिताजी हम यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे ट्रक में, तो हमारे को कुछ लुटेरे मिल गए, तो उन्होंने हमारे को गाड़ी से उतार लिया, बोला गाड़ी में बिठा लिया, बोला सारे ड्राइवर कंडक्टर को मेरे को सब सबको बिठा लिया लुटेरों ने गाड़ी के अंदर, बुलेरो में उन्होंने अपनी गाड़ी में 5-7 आदमी थे रख लेके, और बोले हमारे साथ चलो। फिर बाद में अंदर से पिताजी आपकी खड़े नजर आए और अंदर से हिम्मत हुई, तो हम उनको बोलने लगे भाई ये क्या कर रहे हो, आपको क्या मतलब है, आपको क्या चाहिए, आप हमारे को कहाँ लेके जा रहे हो। तो पिताजी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आप खुद आके हमारे को वहां से उनसे छुड़वा रहे हो। उसके बाद में पिताजी उन्होंने बोला आपका गाड़ी नंबर चेक करो, तो हमारा गाड़ी नंबर उन्होंने चेक किया, फिर बाद में छोड़ दिया। तो पिताजी ऐसा आपने हमारी रक्षा की उनसे लुटेरों से, और फिर वो बाद में चले गए। तो पिताजी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखो पिताजी, और पूरे परिवार पर दया मेहर रहमत बना के रखो पिताजी। जी बेटा सुमन किया करो बेटा, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, पता नहीं वो क्या करते और मौत जैसा कोई कर्म सतगुरु मौला राम का भुगतवा देते हैं थोड़ी सी देर में, सो लगातार सुन करते रहो, वचनों पे रहो बेटा, आशीर्वाद। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बोलो बेटा। पिताजी मैं सचिन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र मुंबई से। जी सबसे पहले तो मम्मी पापा की तरफ से दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा आशीर्वाद बेटा। पिताजी मुझे थोड़ा काम के लिए बात करनी थी, मैं फिल्म मेकिंग में हूँ। तो अब तक तो मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रहा था, तो अभी मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ खुद का बनाऊँ अब। अच्छा तो पिताजी मैंने थोड़ी तैयारी कर ली है, एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ 20-25 मिनट की। अच्छा जी, तो आपका आशीर्वाद चाहिए था कि इसके बाद फिर मैं और आगे बढ़ पाऊँ और बड़ी फिल्म बना सकूँ। जी बेटा आशीर्वाद, आप सुमन कीजिए बेटा, और पूरा अगर तजुर्बा आपने ले लिया है तो फिर गो अहेड, अदरवाइज आप पूरा तजुर्बा लीजिए बेटा और मालिक साथ है, सुमन करो, वचनों पे रहो, आशीर्वाद। हाँ पिताजी, और ये भी कहना था कि एक बार दर्शन हुए थे तो मैंने दीदी को बता दिया था, तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। जी नारा लगा दीजिए बेटा, और अगर मालिक दर्श दीदार देते हैं कोशिश कीजिए हजम करें, वो और बढ़ जाते हैं और खुशियां आती है, बस बचनों पे रहें बेटा, फिर मालिक पूरा साथ देते हैं। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। थोड़ा सा एक ये भी है कि मैं शाम को सिमरन नहीं कर पाता हूँ, दीदी ने मेरे को बहुत कहा कि शाम को भी करो, मगर मैं सुबह कर लेता हूँ, शाम को नहीं हो पाता मेरे से। कुछ आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं शाम को भी कर पाऊँ और मेरा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि मैं अभी भी घबरा रहा हूँ बड़ी फिल्म बनाने के लिए। अभी भी मैं इसलिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि पहले छोटे से शुरू करूँ और फिर आगे बढ़ूँ।
टेंशन मत लो बेटा, आप टेंशन मत लो, सुमण करोगे तो आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और वाकई सही है। आप सुबह करते हैं, शाम को भी जरूर किया करो, चाहे काम धंधा करते दिन को करते रहा करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लगन आएगी, हिम्मत आएगी। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मम्मी पापा को भी दर्शन दीजिए और मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद, सुमण करना, मालिक साथ है बेटा। सो लाइव मैसेज है जी, राजवंत कौर गुरदीप सिंह कैलिफोर्निया यूएसए। प्यारे पिताजी, आज हमारी बेटी सीरत का दूसरा जन्मदिन है, केक प्रसाद बना दो। आशीर्वाद बेटा, जन्मदिन मुबारक हो और अच्छे नेक ख्यालात रखा करो, ताकि बच्ची अच्छी नेक इंसान बने। सुमण के टाइम या फीड के टाइम सुमण किया करो, सुमण के टाइम प्रार्थना किया करो, तो नारा लगा के केक काट लेना। आशीर्वाद हरमेल इनसे पेरिस फ्रांस। प्यारे पिताजी, पीआर के लिए अप्लाई करना है, रहमत करना, अच्छी तरह से चेक करके अच्छे एडवोकेट को राय लेके फिर आगे बढ़ो। आशीर्वाद शास्त्रम जी गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से हमारे स्कूल के खिलाड़ी ने वुमेन पाया का टेबल टेनिस में दूसरा स्थान हासिल किया है। आर्चरी स्टेट में एक खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल कर ट्रॉफी जीती है। तो एक खिलाड़ी ने नेशनल खेलने के लिए जाना है। बिस्कुट है, प्रसाद बना दिया। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, शाबाश, और आगे बढ़ो, सुमण करते रहो, मालिक साथ है बेटा। सो सेवा सुन में मन लगे, मालिक रहमत करें, और पढ़ाई में गेमों में अच्छे कम तरक्की करो। सो प्रसाद बन गए, सब लोग ले लेना। आशीर्वाद विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में आईवीआर के माध्यम से 11,926 कनेक्शनों पर 43,216 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1372 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद शास्त्रम जी कितने से वेलफेयर फोर्स में परेशान हुए, नई सेवा तरह 5 भाई 8 बहनें खड़े हो जाएं। यूथ वीरांगन ने 100 ब्लाक जिम्मी और 2 पक्की समिति वाले 25 बहनें। इंसानी की सेवा महाभियान के फॉर्म भरने वाले 14 सेवादार। तो धन्य माओ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, परेशान लेना, मालिक साथ है बेटा। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। दूर दराज से आए हैं फूलवंती देवी बेंगलोर, फौजी सुभाषचंद्र जी झारखंड से सह परिवार, खड़े हो जाए बेटा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने का, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद ले लेना, स्वागत, आशीर्वाद बेटा, बैठिए, बाद में प्रसाद ले लीजिए। घर जाने वाले सेवादार 4 से 9 दिन वाले भाई बहन मिस्त्री, ब्लाक बांडी से 9 ट्राली बनछटी लेकर आए हैं जी, खड़े हो जाए। तो जितनी सेवा की, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बड़े, प्रसाद ले जाना। आपने सेवा की, जिसने भी की उसको भी देना, परिवारों को देना, और सबको कहना पे देने, आशीर्वाद भेजा, मालिक के बरकतें दे। सो प्रसाद लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। इसके अलावा अगर 3 परहेजों में कोई गलती हुई है, तो जिनसे पहली बार ये गलती हुई है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, बाद में खड़े नहीं होना था, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, पहले पहले खड़े हो जाओ। आशीर्वाद, वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। हाँ बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे। और सुमण करना, दूसरी बार माफी लेनी है। हरजिंदर इंसान संदीप कुमार खड़े हो जाए, कहां है वो, तो लगातार सुमण करो बेटा, लगातार सुमण चलता रहे, मालिक रहमत करते, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद, सुबह 7 से रात के 9 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मिनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई, जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े रहना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जल्दी करो। आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद करें, बीमारी वाला प्रसाद ले लेना, सारे भूत आपके भगा दिए हैं, कोई भूत आपके अंदर नहीं है, ब्रह्म भूत सब भाग गए। तो नारा लगा के बैठ जाओ और जल्दी से बैठ जाओ, हाँ जल्दी बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना होता, हाँ जी। तो सारे ब्रह्म भूत भाग गए, बीमारी का प्रसाद लीजिए और हॉस्पिटल से थोड़ी दवा ले लीजिए। सुबह 7 से रात के तो पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए, बहन राजवत इंसान यूएसए से 10,000, इनके अलावा 23 बहन भाई दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, तो वो खड़े हो जाएं। तो सेवा समय मन लगी, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, जो तन मन धन से दिंदु की मदद किया करते हैं, मालिक उन पर रहमतें बरसाते हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिएगा। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, ऐसे 3 परिवार आए हैं जी, फतेहपुर मानसा घेऊ हनुमानगढ़ लकड़वाड़ी सरसा, खड़े हो जाएं। सभी का नाम लिया हुआ था,
परिवार दोनों तरफ नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों त्यों निज धाम सचखंड सतलो का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आयो या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद की बांध दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा की संभाल मालिक ज्यों त्यों जरूर करते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देते मरम जो देगा प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। और सत्संग में नशा छोड़ने वाला अगर कोई आया है 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी साथ रहना फ्री खाना फ्री जरूरत पड़े दवा फ्री, लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना है यार तो जो नशेड़ी है उनका संग उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। प्रसाद बाद में ले लेना है। सत्संग में प्रसाद पेन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी कोई लेके आया कि आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सत्संगत को अच्छे निकामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो जो भी सत्संग आश्रम में पधारी है बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदित के मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सज रहे ना, उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय साधन के मुताबिक जा सकते हैं रहने का। जैसे सेवादर भाई बताए रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपने जगह पर बैठे रहें जी।